जनता ने ये जनादेश दिया है। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए जैसे ही पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के सांसद वेल में आ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री ने एक अलग तरह के राजनीतिक संस्कार की वानगी पेश की है, जिसकी अब चर्चा हो रही है। तो चलिए आपको थोड़ा शुरुआत से दिखाते हैं। देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। आप सुन सकते हैं कि पीएम मोदी अपना भाषण दे रहे हैं, तभी विपक्ष पीछे से जोरदार हंगामा कर रहा है। पीएम मोदी अपना अगला वाक्य बोलने जा रहे होते हैं, मुझे किस्सा याद आता है, तभी अचानक पीएम मोदी वेल में खड़े विपक्ष को भी पानी के लिए पूछते हैं और कहते हैं, थक गए होंगे, लीजिए। आप एक तरफ तस्वीर में देख सकते हैं और वीडियो में सुन सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। दरअसल संसद में जिस दौरान पीएम मोदी विपक्ष को पानी का गिलास थमा रहे होते हैं, तो इस वीडियो को कोई कैप्चर कर लेता है, लेकिन संसद टीवी के कैमरे में ये तस्वीर नहीं दिखाई जाती है। बता दें कि जब विपक्ष नारेबाजी कर रहे थे, उसी वक्त पीएम मोदी के लिए पानी आया। पीएम मोदी ने तुरंत पानी का गिलास नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर को थमा दिया। हालांकि उन्होंने पीएम के हाथ से पानी का गिलास लेने से मना कर दिया। फिर पीएम मोदी ने दूसरे सांसद हीबी ईडन को वो पानी का गिलास दिया। उन्होंने वो पानी का गिलास लेकर पानी पी लिया। हीबी ईडन केरल के एर्नाकुलम सीट से कांग्रेस सांसद हैं। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भाजपा नेताओं ने जमकर शेयर किया। इसके बाद तो ये वीडियो वायरल हो गई।